दोस्तों, जैसा कि मोटोरोला ने ओरियो का अपडेट दे दिया है मोटो G5 S Plus यूजर्स को, और दोस्तों मैंने ओरियो के टॉप फीचर्स को लेकर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे काफ़ी यूजर्स के कमेंट्स मिले हैं जिनको अभी भी ये अपडेट नहीं मिला है, तो उन यूजर्स को मैं बता दूं कि दोस्तों जैसा कि ये अपडेट IMEI फेज में बैच में रोल आउट किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और अपने डिवाइस में अपडेट चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको ये अपडेट मिल जाएगा। हो सकता है आपको इस वीक के लास्ट तक ये अपडेट मिल जाए। इसके साथ ही मुझे कुछ यूजर्स के कमेंट्स भी मिले हैं जिनको ओरियो के फीचर्स को लेकर इश्यू है, जैसे कि PIP मोड कैसे यूज कर सकते हैं, आइकन का साइज और शेप कैसे चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पैनल के कलर को लेकर और साथ ही मोटो एप्लीकेशंस के न्यू फीचर्स को लेकर यूजर्स को काफी इश्यू है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारे इश्यूज और टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड को लेकर। तो दोस्तों, ये फीचर्स जो है ओरियो का सबसे हाइलाइटेड फीचर है, जिसमें आपको अपने फोन में पिक्चर इन पिक्चर मोड को यूज करके मल्टीटास्किंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब का एक वीडियो देख रहे हैं और आप उस वीडियो को बिना एग्जिट किए हुए अदर एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे में PIP मोड की हेल्प से आप इजीली ये सब कर पाएंगे और आप उस वीडियो को एक स्मॉल विंडो में चेंज कर सकते हैं और बड़े आराम से आप वीडियो के साथ साथ अदर टास्क भी कर सकते हैं। दोस्तों, PIP मोड फिलहाल के लिए कुछ एप्लीकेशन को ही सपोर्ट करता है, जैसे कि YouTube, Google Chrome, VLC Player, WhatsApp, Google Map और Google Duos। दोस्तों, पिक्चर इन पिक्चर मोड फीचर को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इन एप्लीकेशन को PIP एक्सेस अलाउ करने होते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स मेन्यू में जाना है, वहां पर आपको ऐप एंड नोटिफिकेशन ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहां जाकर आपको इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को क्लिक करना है और नीचे पिक्चर इन पिक्चर मोड का ऑप्शन इनेबल करना होगा। दोस्तों, ध्यान में रहे, ये एप्लीकेशन करंट अपडेट के साथ होने चाहिए, तो पिक्चर इन पिक्चर मोड यूज करने से पहले मेक श्योर आपने अपने इन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपडेट कर लिया है, यानी ये करंट वर्जन के अंदर अपडेट होने चाहिए। और दोस्तों, मुझे काफी यूजर्स के कमेंट भी आए हैं कि YouTube के साथ में पिक्चर इन पिक्चर मोड वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि PIP मोड ओनली YouTube Red के साथ में काम करता है, जिसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। तो विदाउट सब्सक्रिप्शन आप इस फीचर्स को यूज नहीं कर पाएंगे, बट आपको मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूं जिसके साथ आप इस फीचर्स को YouTube के साथ में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओपन करना है क्रोम ब्राउजर और उसमें वेबसाइट ओपन करनी है www.youtube.com। ये वेबसाइट जब आप ओपन कर लेंगे, जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होती है, आपको यहाँ ऊपर 3-dot मेन्यू पर क्लिक करना है और वहां से आपको इस वेबसाइट का डेस्कटॉप वर्जन ओपन करना है। तो यहाँ YouTube ओपन हो गया है, यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस के वीडियो सर्च करके ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि PIP मोड कैसे काम करता है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई वीडियो ओपन होता है, तो उसे जैसे ही आप प्ले करते हैं, आप वहां पर फुल स्क्रीन मोड पर क्लिक कर देंगे। फिर अपने फोन में आपको होम की प्रेस करनी है, होम की प्रेस करते ही आप एग्जिट हो जाएंगे, बट आपका जो वीडियो है वो एक स्मॉल विंडो में चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ साथ आप और एप्लीकेशंस को भी यूज कर सकते हैं, साथ ही आप इस वीडियो को अपने स्क्रीन पर कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है PIP मोड आपके मोबाइल फोन में। दोस्तों, सेम चीज आप कर सकते हैं गूगल मैप के साथ में। जब आप अपना कोई प्लेस सर्च करते हैं और जब आप नेविगेशन यूज कर रहे होते हैं, तो आप जैसे ही होम की प्रेस करेंगे, आपका जो PIP मोड है वो अपने आप इनेबल हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन एक स्मॉल विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप वीडियो कॉल करते समय व्हाट्सएप पर भी ये फीचर्स यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप VLC प्लेयर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको PIP मोड का फीचर्स इनबिल्ट मिल जाता है। तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेटिंग्स में जाना है और इस तरीके से आप उस ऑप्शन को यहां पर इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, वीडियो को प्ले करना है और फिर से होम की प्रेस कर देनी है। अब आते हैं मोटो एक्शंस और मोटो डिस्प्ले के अंदर। दोस्तों, अगर आप ओरियो अपडेट के बाद में अपने मोटो एप्लीकेशंस में मोटो एक्शंस और मोटो डिस्प्ले यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनमें नए फीचर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको इन एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से करंट वर्जन के अंदर अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे, आपको यहां पर न्यू फीचर्स मिल जाएंगे। मीडिया कंट्रोल ऑप्शन में आप अपने वॉल्यूम बटन से वॉल्यूम कंट्रोल करने के साथ साथ अपने म्यूजिक ट्रैक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जब आपका फोन स्लीप मोड में हो या फिर ऑफ स्क्रीन हो,
तब आप अपने वॉल्यूम बटन से अपने ट्रैक को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसको नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपको 3 फिंगरप्रिंट स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप कहीं पर भी अपनी स्क्रीन पर 3 फिंगर प्रेस करेंगे तो वहां पर आपका स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। और आप सेम टाइम पर इसको थर्ड ऑप्शन जो कि स्क्रीनशॉट एडिटर का है उसके साथ में एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपको कुछ एडिट हाईलाइट करना है या कुछ एडिटिंग करनी है तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा मोटो एप्लीकेशंस में जो दूसरा ऑप्शन है मोटो डिस्प्ले का, उसमें आपको एक नया फीचर्स और मिलता है अटेंटिव डिस्प्ले का। तो इस फीचर्स में आपको अपना फेस मोबाइल के सामने रखना है और उसे स्कैन करना है। इसके बाद जब भी आपका फेस आपके मोबाइल के सामने रहेगा तब तक आपके फोन की जो स्क्रीन है वो स्लिप मोड में नहीं जाएगी। तो ये काफी अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो रेगुलर यूज करते हैं अपने डिस्प्ले के ऊपर अपने सेलफोन को। तो दोस्तों ये थी मोटो एप्लीकेशंस की अपडेट। इन सब ऑप्शंस के अलावा आपको एक न्यू ऑप्शंस यहाँ पर आ रहा होगा मोटो की का। तो दोस्तों ये ऑप्शंस अभी फिलहाल के लिए वर्क नहीं कर रहा है इस फोन में, बट शायद इन फ्यूचर अपडेट के साथ में ये वर्क कर जाए। इस ऑप्शन में आप अपनी वॉइस के थ्रू अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट इश्यू पर, तो वो है नोटिफिकेशन पैनल को लेकर। काफी यूजर्स ने मेरे को पूछा था कि नोटिफिकेशन पैनल का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, तो आप अपने होम स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका पैनल का कलर जो है चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यूज करते हैं अगर लाइट वॉलपेपर तो आपका जो पैनल का कलर है वो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिखाने लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई डार्क वॉलपेपर अपने स्क्रीन पर यूज करते हैं तो फिर आपका जो नोटिफिकेशन पैनल वो ब्लैक डार्क कलर के अंदर दिखाने लगेगा। तो ये सब डिपेंड करता है आपके इस होम स्क्रीन वॉलपेपर के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट इश्यू पर, जो है आइकन शेप कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर कहीं भी ब्लैंक स्क्रीन पर प्रेस करना है और आपको होम सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको उसके अंदर जाना है और वहां पर आपको आइकन शेप का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां से आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने आइकन्स की शेप रख सकते हैं। दोस्तों इस ओरियो अपडेट के साथ में मेरे को कोई बग या इश्यू फिलहाल देखने को नहीं मिला है, और बैटरी बैकअप की बात करूं तो बहुत अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है पहले से। डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो पहले से ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी पसंद आया तो प्लीज यार एक लाइक तो कर दीजिए, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मिस्टेक के साथ हमेशा बने रहें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।